Omagyan Puniram Dasa Gyananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadalehe Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Vancha Kalpadurubhasa Kripa Sindhu Bhai Vacha Patitanang Pavanebho Vaisnavibho Namo 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 Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratushe Namo E Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesah Gopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusa Devi Pranamami Hari Priya Vrindayu Tulasi Devi Priyayi Kesavasacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatai Namonam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Srimad Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj ke Charna Kamala mein Anand Koti Sashtanga Dhanavat Pranam Karta Tatpashyat Mere Sikhya Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj re Charna Saraje Shraddha Pushpanjali Arpan Karta Upasthit Vaishnava Vaishnavi Sabhi ko main yathayogya pranam karta hu Hare Krishna Aaj ek vishesh tithi hai Sri Haridas Thakur ji ka tirbha ye janma tithi na tirbha tithi Shashi kala janma aaj janma tithi na tirbha tithi hai Disappearance. Ah, Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक है. इसलिए तुम क्या कर रहे इधर बैठ जा. उसको बाद में सेवा कर ले. Hare Krishna. इसलिए आज श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है. आज श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज का भी आज श्री तिरुभाव तिथि है. इसलिए वैष्णव लोग बड़े दयालु हैं. भगवान से भी ज्यादा दयालु क्योंकि भगवान का केवल हमें एक तिथि मिलता है कौन सा तिथि जन्म तिथि लेकिन भक्त लोग कृपा करके दो तिथि छोड़ करके जाते हैं एक है जन्म तिथि और एक है उनका तिरुभाव तिथि है इसलिए जैसे कृष्णा गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह व्यतीतत्वतः तेत्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये अपराकृत ये अवलौकिक दिव्य है अगर इसको कोई सही सही समझ जाए फिर शरीर छोड़ने के बाद ये जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता है कहते उसी तरह कहते वैष्णव का जन्म कर्म भी अपराकृत है इसलिए वैष्णव लोग इच्छा करने पर ये शरीर समेत वो अपना धाम में जा सकते हैं लेकिन वो कृपा करके हम लोगों के लिए इस जगत में शरीर को छोड़ जाते हैं बोले क्यों छोड़ जाते हैं जैसे भगवान का हमें एक तिथि मिलेगा जन्म तिथि और जन्म तिथि में हम उनकी कथा सुनते हैं लेकिन वैष्णव का साल में हमें दो तिथि मिल जाएगा एक जन्म तिथि मिलेगा और एक उनको मिलेगा तिरुभाव तिथि मिलेगा मिलने पर क्या होगा फिर हम उनकी कथा सुनते हैं उनके नाम लेते हैं उनकी महिमा को हम सुनते हैं इसलिए वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु है इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित के पास में भागवत कथा सुनने जाते थे गदाधर पंडित प्रश्न करते थे बोले प्रभु आज क्या कथा सुनना चाहते हो बोले हमें केवल भक्तों का कथा सुना
वैष्णव का कथा सुना। बोले क्यों? बोले जब वैष्णव का कथा हम सुनते हैं उनका जीवन चरित्र से हमें बड़े उत्साह मिलता है, बड़े हमें मदद मिलता है। कैसे कैसे भजन किया, कैसे हरिनाम किया, जीवन में कैसे विपत्ति आए, सारे विपत्ति को अतिक्रम करते हुए उन्होंने भजन कैसे किया है, उनका भजन करने का तरीका क्या था। पर उसको सुनकर क्या होता है, हमारा मन में भी इच्छा होता है हम भी ऐसे हरिनाम करें, हम भी ऐसे भजन करें। हाँ, उनका जीवन में इतनी विपत्ति आई और इतने विपत्ति आने पर भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, फिर तो हमारा जीवन में थोड़ी थोड़ी कोई विपत्ति आ जाए तो हमें भजन नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर, इनका नाम महाप्रभु ने रखा नाम आचार्य, इसलिए कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी। इसलिए महाप्रभु जीवों को बड़े में कृपा करके उन्होंने अपना परिकर और पूरा धाम को लेकर के इस जगत में आए हैं। आ करके उन्होंने उन्होंने एक एक भक्तों के द्वारा भगवान ने एक एक सिद्धांत को स्थापन किया है। बोले श्री रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या करवाए, बोले रस तत्व को स्थापन किया। बोले सनातन गोस्वामी को द्वारा, बोले संबंध तत्व को है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा हमारे जो प्रयोजन तत्व को। बोले जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या किया, सिद्धांत को स्थापन किया। बोले श्री हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने क्या किया, उनको नाम रखा नाम आचार्य, जैसे ल हरिदास ठाकुर मतलब नाम का ही आचार्य है। अगर हमें नाम कैसे करनी चाहिए अगर सीखना, तो कहते श्री हरिदास ठाकुर से ही हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक एक दिन में 3-3 लाख एक एक दिन में हरि नाम करते थे। 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु 24 घंटा हरिदास ठाकुर भजन करते थे। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में आए, किस लिए आए, उनका एक कारण था कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन एतत अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। इसलिए महाप्रभु आए कलियुग का जो युग धर्म किया, बोले हरिनाम संकीर्तन, और महाप्रभु इसी हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, ये एक कारण है। तो दूसरा कारण क्या है, कभी वो जीव जगत को ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आकर के वो दुर्लभ ब्रज प्रेम को प्रदान करते हैं। जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद आदि तरसते हैं, महाप्रभु आसानी से वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं। जो करते हैं कैसे करते हैं, किसको द्वारा कराते हैं, बोले ये हरिनाम संकीर्तनों को करा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं नाम प्रेम माला गांती दिल जग जने। महाप्रभु ने क्या किया, जैसे हम गले में एक माला पहनते हैं ना, उन्होंने ये नाम को एक माला बना दिया है। नाम को एक माला बना करके सबको गला में एक पहना दिया, बोलो ये माला गले में ये माला को पहन लो। किस चीज की माला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये माला। बोले मतलब क्या है, कहते हर समय क्या करो कि सहने की भोजन की बात जागरणी अहर निशिंत कृष्ण बलवतने। हर समय क्या करो, भगवान का उठते बैठते सोते जागते चलते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरि नाम को जप करो। इसलिए महाप्रभु ने ये हरि नाम को द्वारा ही जगत को क्या किया, वो कृष्ण प्रेम प्रदान किया। बोले कौन सा प्रेम, बोले ब्रज प्रेम को, हाँ ब्रज प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए एक मायावादी वो भी हरे कृष्ण नाम जप करता है देखना, और दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन हम भी जप करते हैं। क्या उनकी जप हमारी जप में क्या की है, बोले नहीं। कहते जो नाम है, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम बताया नाम चिंता मणि, हरि नाम चिंता मणि। मतलब
ये हरिनाम को करते हुए तुम जिस भाव से करोगे हैं, उसी भाव को उसी वस्तु को प्रदान करेगा। अगर धन दौलत पुत्र परिवार संसार के लिए करोगे, ये नाम अपने आप दे देगा। रिद्धि सिद्धि के लिए करोगे, ये नाम दे देगा। वो ब्रह्म में लीन होने के लिए करोगे, दे देगा। योग सिद्धि के लिए करोगे, हरिनाम दे देगा। हैं, इसलिए कुछ भी इच्छा को लेकर करो, ये हरिनाम सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर इसी हरिनाम को जप करते हुए कोई अगर से ब्रज प्रेम को पाना चाहते हैं, राधा रानी की निकुंज की सेवा पाना चाहते हैं, कभी हरिनाम को भी हरिनाम दे देगा। लेकिन इन्होंने महाप्रभु ने जो कलयुग में जो जुगा धर्म हरिनाम संकीर्तन है, क्योंकि दूसरे दूसरे जो धर्म था कठिन था धर्म। सत्य युग में था ध्यान, मन बड़ा चंचल है। कलयुग में देखा जीव का ध्यान करना कठिन है, हैं? पहले 10-10 हजार 60-60 हजार बिना खाए पिए एक जगह पर बैठ करके श्वास को बंद करके चारों तरफ में आग जला करके सर नीचा करके टांग ऊंचा करके बिना खाए पिए क्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग में 15 दिन में अगर एक एकादशी व्रत कोई करता है ना, 15 दिन में एक एकादशी व्रत रखता अगर हो, बोले भैया ये सेवा कर दो, तो बोले आज हमने एकादशी व्रत रखा, आज हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए आज हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक दिन भी बिना खाए पिए कलयुग का जीव रह नहीं सकते। अगर व्रत किया तो खाएगा नहीं, पिए दिन भर सोता रहेगा। बोले आज हमने व्रत रखा है, इसलिए हम आज कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए देखा कलयुग का जीव कलयुग में तपस्या कर नहीं सकते। त्रेता युग में था यज्ञ, यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, घी चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए चाहिए, शुद्ध क्या बात कर रहे। इसलिए शुद्ध हैं, कोई चीज शुद्ध चीज मिलेगा नहीं कलयुग में। इसलिए उन्होंने देखा भगवान ने कलयुग में यज्ञ संभव, द्वापर युग में अर्चन, मंदिर बनाओ, ठाकुर को पूजा सेवा अर्चन, घी दूध दही हैं, अगुर चंदन फूल माला इतने सारे चीज लाओ, भगवान को रोज रोज पुरुष सुक्त मंत्र से 16 उपचार से भगवान की सेवा करो, ठाकुर का सेवा करो। इसलिए उन्होंने देखा तो इतना कहाँ से लाएंगे, इतना सेवा पूजा कहाँ से करेंगे, पर पवित्रता पूर्वक करनी चाहिए। देखा कलयुग में ये भी असंभव है, इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके बोले कलयुग में ऐसे कौन सा धर्म रख दिया जाए जो बिना पैसा बिना खर्चा बिना परिश्रम को द्वारा हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके बोले कुछ भी कर कलयुग में करने का जरूरत नहीं, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम का नाम को छोड़ करके और कोई गति नहीं। इसलिए क्या करो, बस केवल होठ अगर थोड़ी सी चलता है ना, थोड़ी सी होठ अगर चले तो क्या होगा, बस हरिनाम हो जाएगा। बिना पैसा बिना परिश्रम को द्वारा हरिनाम अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हरिनाम करने पर क्या होगा, बोले हरिनाम जो व्यक्ति करना शुरू कर देता है ना, उसके लिए 3 काम होना शुरू हो जाता है। क्या क्या 3 काम बताओ, याद है? जो हरिनाम करना शुरू करेगा उसके लिए 3 काम उसको होना आरंभ हो जाता है। क्या होना हो जाता है, सब भूल गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में हैं, उसको पूजा करने के लिए प्लेट में हैं, उसका आरती उतारने के लिए पूजा करने के लिए उसको प्लेट सजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हरिनाम कर रहा है वो भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए गोलोक वृंदावन जाएगा, उसके लिए हैं थाला की तैयार कर देता है। और नर्क में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं उसको रजिस्ट्रेशन उसका नाम को काट दो और वो नर्क नहीं आएगा, क्यों, हरिनाम कर रहा है। और गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखियों से बोलते हैं इसका जो नाम है ना रजिस्टर में चढ़ा दो, सबसे उसके नीचे इसका नाम लिख दो। बोले क्यों, बोले हरिनाम कर रहा है ना, एक दिन वो मेरी दासी बन करके गोलोक वृंदावन में मेरी दासी बन करके आएगा। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा।
लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैंने इतना सरल कर दिया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तथा पिता, मेरी अनंत नाम है, सारी शक्ति मैंने अपना नाम में दे दिया, फिर नियमित स्मरण न काल, मैंने ये नहीं बताया तुम केवल पवित्र अवस्था में कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते, मैंने ये भी नहीं बताया। लेकिन कलयुग में जीव का दुर्भाग्य तो देखो, तब भी कलयुग में भगवान का नाम ये नहीं लेते हैं, फिर इनका कल्याण कैसे होगा, इनकी उद्धार कैसे होगा। इसलिए कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, लेकिन वो हरिनाम करनी चाहिए कैसे, कहते श्री हरिदास ठाकुर जैसे करनी चाहिए, श्री हरिदास ठाकुर जैसे करनी चाहिए, एकदम 24 घंटा में 24 घंटा करनी चाहिए। एक उदाहरण दिया, जैसे आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, हैं? अगर आप जाओगे किसी नदी किनारे में, एक फुट गाड़ दिया, लेकिन देखा वो पानी है ही नहीं, फिर उसको छोड़ करके फिर दूसरे जगह पर जाओगे, वहाँ पर भी 1.5 फुट ने गाड़ दिया मिट्टी को, हाँ गड्ढे खोद दिया, तो पानी निकला नहीं, फिर और एक जगह पर जाओगे, फिर क्या करोगे, वहाँ पर फिर 2 फुट मिट्टी को गाड़ दिया, पानी नहीं, फिर दूसरे तीसरे जगह पर गया, फिर 3 फुट पूरा गड्ढे खोद दिया, पानी नहीं, अगर पूरा नदी किनारा कर दोगे ना, पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, पानी कब निकलेगा, जब एक जगह में खोदते रहोगे, एक जगह को जब तक वो पानी नहीं आ जाए ना, तब तक उसको क्या करते रहोगे, उसको खोदते रहोगे, और खोदते 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 क्या होगा, एक दिन पानी नीचे आ जाएगा, है कहते। उसी तरह जो हरिनाम हमें कैसे करनी चाहिए, हरिनाम करनी चाहिए, बोले निरंतर जमाई होनी चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का नाम जप करनी चाहिए। जब नाम जप करोगे क्या होगा, ये जो मन है, फिर और किसी चीज़ में मन ये नहीं जाएगी, ये मन केवल प्रभु का नाम में ही डूब जाएगा। जब प्रभु का नाम में डूब जाएगा, फिर तो धीरे धीरे चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय तेज कृष्ण संकीर्तन। बस जब कंटिन्यू हम हरि नाम करेंगे, हृदय का सारे अनर्थ दूर हो जाएगी, हैं, सारे अपराध दूर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रुचि निष्ठा, फिर हृदय में भगवान प्रभाव, और एक दिन कृष्ण दर्शन मिलेगा। लेकिन हम लोग भजन कैसे करते हैं, माला लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बल्कि जिस समय हरिनाम कर रहे तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहा, हाँ हरिनाम करते समय फिर माला को थोड़ी समय करके लटका दिया, फिर हम दूसरे काम में लग गए, इधर उधर मन कहाँ भटक गया, प्रभु का नाम से कहीं भटक गया, फिर जब समय हुआ थोड़ी सी माला लेकर के हरे कृष्ण करते समय भी मन कहाँ का नहीं। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम इनमें सब चीज़ को वर्णना करते हैं, भगवान मिलेंगे कब, भगवान हमें कब मिलेंगे, मन जब जैसे एक शहद को ऐसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बनी जाती है, उसमें एक धागा बनी जाती है, तो उसी तरह मन जब तक 24 घंटा में 24 घंटा जब तक ये मन प्रभु में पूरा लग नहीं जाए, पूरा नहीं लग जाए, तब तक भाव नहीं प्रेम भी नहीं आएगा, इसलिए उसमें नहीं आएगा, हैं, उसमें भगवत दर्शन नहीं आता तब तक। इसलिए साधन करते करते वहाँ पर सुवर्णना करते, रुचि में क्या अवस्था, निष्ठा में क्या अवस्था, भाव अवस्था क्या, जैसे मन सबसे प्रभु का चिंतन, अगर मन कभी हटाच कहीं चली गई मन, फिर उसको पकड़ कर क्या करते हैं, फिर भजन में लगा देता है। लेकिन हमारे मन देखना हरिनाम करते करते भजन करते करते मन कहीं चला गया, सारा दिन कहाँ घूम घाम करके पूरा हरिनाम इधर भी कर रहे हैं और उधर पता नहीं ये मन कहाँ कहाँ घूम करके फिर आ जाता है फिर यहाँ, हैं हमारी भजन, इसलिए हमारे भजन बहुत उई के है। इसलिए हमारे जो भजन है ना, कहते एक आरोप सीधा भक्ति, एक संग सीधा भक्ति और एक स्वरूप सीधा भक्ति, कभी कभी हमारे जो भजन है कभी कभी आरोप सीधा हो जाता है, कभी कभी संग सीधा हो जाता है, लेकिन जो स्वरूप सीधा जो भक्ति है ना वो बहुत कम हो रही है, हैं, इसलिए बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन एक साथ में हम छलांग भी नहीं लगा सकते, धीरे 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 आस्ता 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 आस्ते
एक स्टेप धीरे 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 बढ़ना पड़ेगा एक दिन, लेकिन एक दिन हमें बढ़ना पड़ेगा एक दिन। इसलिए कहते आदर्श रूप में कौन है, बोले से हरिदास ठाकुर। इसलिए जब तक हम हरिदास ठाकुर नहीं बनेंगे ना, हैं, जब तक उनके जैसे साधन भजन नहीं होगा तब तक प्रभु का प्राप्ति भी असंभव है। एक दिन हमको वहाँ तक, हमें हरिनाम करते करते एक दिन हमें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। इसलिए महाप्रभु आदर्श रूप में श्री हरिदास ठाकुर को आदर्श रूप में रख करके, इसलिए महाप्रभु उनका नाम आचार्य उन्होंने आख्या दिया है। नाम का ये आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, बोले श्री हरिदास ठाकुर की जय। कहते ये एक चीज है, कि दूसरी चीज क्या है, कहते हरिदास ठाकुर ये पूर्व जन्म में कौन थे, इनकी पूर्व जन्म में इनकी दो चीज मिलती हैं। शास्त्र में कहीं आता है पूर्व जन्म में ये प्रह्लाद और जो ब्रह्मा है ये दोनों मिल करके कहते श्री ये हरिदास ठाकुर है, हैं। जैसे प्रह्लाद का चरित्र हम पढ़ते हैं, जीवन में कितने बाधा विपत्ति आई, उनको पिता ही उनको मारने के लिए कोशिश किया, पहाड़ से फेंक दिया, आग में बैठा दिया, जहरीले सर्प को सांप फेंक दिया, उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हरिदास ठाकुर का जीवन में भी वैसे दिखता है ना, उन्होंने कितने उनको जीवन में बाधा विपत्ति कितने समस्या आई, लेकिन प्रभु का भजन उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए उनको कहा जाता है श्री प्रह्लाद जी का अवतार। और दूसरा कहा जाता है श्री ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी क्यों, कारण है जब कृष्ण लीला में इन्होंने कृष्ण जब अघासुर को वध किया और देवता लोगों ने भगवान कृष्ण का कन्हैया लाल की, अरे जय कोई नहीं दे रहा, बोले भगवान कृष्ण का कन्हैया लाल की, जब उन्होंने जयकार दिया वो धीरे 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 ये जयकार पहुंचते पहुंचते पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा उतर कर के आए और उन्होंने देखा भी ये 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी राक्षस को वध कर दिया, फिर उसका ब्रह्म तालु फट गई, एक ज्योति आकर के उनके चरण में कृष्ण चरण शरीर में समा गया। बोला अरे बच्चा कौन है, हाँ इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े अद्भुत काम किया। उनने थोड़ी सी आगे और लीला देखने के लिए उन्होंने कृष्ण का बछड़े सखा को उन्हें चुराया। फिर कृष्ण ने क्या किया, ठीक बछड़े और सखा को वैसे ही प्रकट करके स्वयं को साथ में लीला कर रहे थे। फिर जब ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जब उनको पता चला ये सारे कारणों का जो मूल कारण ये कृष्ण का नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने देखा मैंने अपराध किया, ब्रह्मा जी बहुत स्तुति स्तव किया, बहुत उन्होंने गिड़गिड़ाए, प्रभु मेरे को माफ कर दो, लेकिन कृष्ण तो सखाओं को साथ में मस्ती करते रहे, हाथ में एक कमल फूल को घुमा रहे थे, एक हाथ में सखा को गलबेनिया दे रहे थे, सखा लोग इनको चिढ़ा रहे थे, ये चौमुहा कहाँ से आ गया, मतलब ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गया, एक अजीब सा जैसे कोई जीव लग रहा है, हमारा तो एक सर उसका चार सर है। ब्रह्मा जी बहुत कोशिश किया हैं, पहले तो भगवान के महिमा युक्त श्लोकों को बोले लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने ब्रजवासियों को महिमा को उन्होंने गाए, बोले अहो भाग्यम नंदगो ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को गाए, कृष्ण कहाँ पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी किसका सखा बन गए, किसकी बेटा बन गए, किसकी प्रियतम बन गए, कभी राधा जी की चरण की सेवा करते हैं, हैं। इसलिए जब उन्होंने ये चीज़ को बोले ना, कृष्ण खुश हो गए, थोड़ा मुस्करा दिए। ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण का कमजोरी कहाँ पर है, बोले कमजोरी कहाँ पर है, कृष्ण सिखा देते हैं मेरी सेवा मेरी स्तुति से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्त का सेवा स्तुति करे ना उनको से ज़्यादा मैं संतुष्ट होता हूँ। फिर तो उन्होंने भगवान माफी तो लिया, लेकिन दिल से उन्होंने उनका माफ उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मा जी ये चीज़ को समझ गए, भगवान हृदय से मेरे प्रति संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका बछड़ा सखा को मैंने चुराया। इसलिए उन्होंने देखा
उन्होंने अपना ब्रह्मा है, उनका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब क्या? ब्रह्मा एव सर्वविद भवती, मतलब जो सब जानते हैं। ब्रह्मा का मतलब है जो सबको सब जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी फिर उन्होंने अंतरदीप कहाँ पर? मायापुर, मायापुर अंतरदीप, जहाँ पर महाप्रभु का जन्मस्थान, नवद्वीप में अंतरदीप महाप्रभु का जन्मस्थान, वहीं पर बैठ करके जब उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान गौरव हरि रूप में दर्शन दिया। बोले ब्रह्मा मैं अपना अंतरदीप, मतलब मैं अपना अंदर की बात तुमको बता रहा हूँ। कलयुग में मैं सचिनंदन गौर हरि होकर के यहीं पर जन्म लूँगा और सर्वत्र मैं हरि संकीर्तन को प्रचार करूँगा, हैं। इसलिए मैं तुमको अपना अंतर की बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसी समय में मेरे सेवा करने के लिए आ जाना श्री हरिदास ठाकुर के रूप में, और मैं तुमको देख करके जगत में ये हरिनाम संकीर्तन को तुमको माध्यम से जगत को मैंने प्रचार करूँगा। भगवान ब्रह्मा जी को अपना अंतर की बात बताए थे, इसलिए महाभुर्ग लीला में ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर बन करके आते हैं। प्रहलाद और हरिदास ठाकुर कहते ये दोनों मिलकर के ये पितामह, ये श्री हरि नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। यहाँ प्रश्न होता है, भैया अगर कोई अपराध करता है ना उसको दंड दी जाती है, कोई अपराध करे उसको दंड दी जाती है, लेकिन यहाँ पर दंड नहीं। कहा महाप्रभु का भक्त बनकर नवद्वीप में आए, 3-3 लाख हरिनाम किया, जब वो शरीर छोड़ते हैं महाप्रभु अपना गोद में उठा कर ले जाते हैं। भगवान हैं, भगवान साक्षात रूप में से अपना गोद में उठा करके और अपना हाथों से समाधि देते हैं। ये कोई साधारण बात है? भगवान जहाँ पर गोद में उठा करके ले जाए और उनको समाधि दे, ये कोई साधारण बात है? इतने बड़ी उनको मान कैसे दिया है? तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं इन्होंने भगवान की एक बहुत बड़ी सेवा किया है ब्रह्मा जी। बोले क्या सेवा किया? बोले कृष्ण के मन में कुछ इच्छाएं थी, जो इच्छा को इन्होंने पूरी कर दिया। बोले पहले कृष्ण का क्या इच्छा था? बोले पूर्व जन्म में जितने श्रुतियाँ, जितने मुनि, जितने देवकन्या, जितने गंधर्वी, जितने जनकपुरी के, जितने सीता की सहेली, जो भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, हर साल एक एक सीता को जो स्थापन करते थे, उस सबके सब गोपी बन करके आए। अभी कृष्ण के मन में इच्छा सबसे शादी करे, हैं, लेकिन कृष्ण शादी कैसे करे? तो ब्रह्मा जी काम कर दिया। ब्रह्मा जी अब बछड़े सखे को चोरी करके ले गए, श्री गर्गाचार्य ऐलान कर दिया। बोले देखो ये जो साल है ना, ये विशेष साल है, अगर इसी साल से में कोई लड़की अगर शादी करेगा ना, वो कभी विधवा नहीं बनेगी, इसका सिंदूर कभी मिटेगी नहीं, चीर सौभाग्यवती बनी रहेगी। उन्होंने ये चीज़ को ऐलान कर दिया ब्रह्मा जी ने। बोले क्यों? अभी जितने सखा है सब कृष्ण बने, अगर शादी होगी किसी लड़की से, किसके साथ जोड़ दी? कृष्ण को साथ में शादी होगी, हैं। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, मतलब बर बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमल हो जाए। कभी जगत का जो पति को पता नहीं कितने जन्म से छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे, कब तक तो पकड़ के छोड़ेंगे? मतलब जब तक कि असली पति कृष्ण को अपना प्रियतम रूप में प्राप्त नहीं करे। इसलिए और कृष्ण जब मैया की दूध पीते थे, उस समय जितने गैया इनकी मन में इच्छा होता था कृष्ण की, आप बछड़े बनकर के हमारे दूध पियेंगे। जब ब्रह्मा जी बछड़े को चुराया, अभी कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए, हैं। जब मैया जशोदा कृष्ण को दूध पिलाती थी, जितने ब्रज के मातृस्थानी गोपियाँ, इनकी मन में भी इच्छा होती थी क्या कृष्ण कभी हमारे बच्चे बनेंगे, कृष्ण को क्या हम कभी दूध पिला पाएंगे। अभी ब्रह्मा जी ने ये सारे काम कर दिया, कृष्ण बछड़े बन करके घर घर में जा जा कर कृष्ण अभी सब माताओं का स्तन पान करते, बछड़े बन कर गैया की दूध पीते हैं, हैं। और कृष्ण सब गोपियों से शादी कर लिया, ब्रह्मा जी ये काम कर दिया, इसलिए भगवान खुश हो गए, हैं। भगवान खुश हो करके आशीर्वाद दिए और महाप्रभु लीला में श्री हरिदास ठाकुर बन करके आए, नाम की सेवा की और महाप्रभु का दर्शन, उनका परिकर्तव्य प्राप्ति, और लास्ट में महाप्रभु जिनको गोद में लेकर के महाप्रभु उनको समाज देते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर कौन है? कहते हैं कि ब्रह्मा और हरिदास, ब्रह्मा और श्री प्रहलाद, ये दोनों मिलकर के कौन? ये हरिदास ठाकुर, ये एक अच्छी। और दूसरी कथा आती है, मतलब एक समय
कोई ऋषि कोई संतान थे उनको पिताजी ने कहते ब्रह्मा जी ने क्या बोले बोले देखो ठाकुर को सेवा के लिए तुलसी लेकर के आ। उन्होंने क्या किया तुलसी को तो लेकर के आए लेकिन उन्होंने तुलसी को बिना धोए उन्होंने तुलसी पत्ता दे दिया और उन्होंने ठाकुर का चरण में चढ़ा दिया। बाद में पता चला इन्होंने तुलसी पत्ते को उन्होंने नहीं धोए इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया बोले जाओ हाँ जाओ तुम मुसलमान घर में जाकर जन्म ग्रहण करो। इसलिए उनको मुसलमान घर में जन्म लेना पड़ा। इसलिए नियम है तुलसी पत्ता को बिना धोए ठाकुर का चरण में नहीं चढ़ानी चाहिए। ये कथा आती है। इसलिए कुछ कुछ लोगों का कुछ धारणा है। कोई कोई बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी ब्राह्मण कुल में जन्म हुए और उनको पिता माता कम उम्र में जब चले गए किसी मुसलमान ने उनको अपना घर में लालन पालन किया लेकिन वो ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ। लेकिन हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते कहते ऐसे नहीं कहते वहाँ पर कहते जाति कुल निरर्थक यह बुझाई थे हरिदास जन्म लेन जवन कुल थे। इसलिए वो वृंदावन दास ठाकुर व्यास है वो कहते हैं जगत को उन्हें ये एक शिक्षा देना चाह रहे थे जाति कुल निरर्थक। हमने ये जात में इतने बड़ी जात में जन्म लिया हमने ये जात में जन्म लिया हम ये जात में जन्म लिया क्योंकि उसका निरर्थकता को समझाने के लिए हरिदास जन्म मिले जवन कुल थे। उन्होंने श्री जवन कुल में जन्म ग्रहण किया क्योंकि शास्त्र कहता है जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। भगवान के भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर एक भजन गाते हैं बोले ए मन की करे वरण कोल जय को लेके न जन्म नहाय केवल भक्ति मूल कपि कुल धन्य वीर हनुमान श्री राम भक्त राज राक्षस कुल ते विभीषण वैसे ईश्वर सभार माज। ये भजन गाते हैं वो एक ही उदाहरण देते हैं बोले प्रहलाद कौन सा कुल में जन्म हुए राक्षस कुल में विभीषण कौन सा कुल में जन्म हुए राक्षस कुल में। भगवान को बराबर आसन देते हैं हनुमान जी कौन सा कुल में आए बोले बंदर जिस घर में घुस जाए ना घर अपवित्र हो जाए भगा दो बंदर को हैं। इसलिए लेकिन भगवान राम का परम भक्त बने इसलिए शिक्षा देते हैं भगवान की भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं जो भजन करता है वही बड़ा है। ये चीज को शिक्षा देने के लिए कहते श्री ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी मुसलमान कुल में इन्होंने जन्म लिया और हरिनाम संकीर्तन करते हुए जगत जीव को कल्याण उन्होंने जगत जीव का कल्याण किया। इनकी बहुत बहुत सारी कथाएँ फिर हम कुछ कथा शाम को सुनेंगे और जो कथा कुछ रह जाएगी फिर हम इसको कल सुनेंगे। इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ निकला नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनको संपूर्ण जीवन चरित्र को वहाँ पर उल्लेख किया है और चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में इनके विषय पर क्या क्या उन्होंने बताया हैं। उन्होंने पूरा ग्रंथ को निकाले हम धीरे धीरे आगे सुनते रहेंगे। आप लोगों का देर हो रही खाना बनाने के लिए पंचाकल कृपा सिंधु भाई बचान पावनि भो वैष्णव भोर बोले श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।